कितना बुरा हो गया है। देखो सूरज निकल गया है यहाँ पर, और हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोग आराम से जो है ना वो हजरत के बाप बेटे जा चुके हैं, और आई स्टिल रिमेम्बर। हाँ मेरा बच्चा जनाब, सो तुम इधर ही खड़ी रहो छुपकली बन के, छुपकली जैसी औरत। शट अप, यू शट अप बिच। उनको मिट्टी दे दो, रेत दे दो, पानी दे, खेलते रहे, खुश होते। अच्छा हमारे यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता इस तरह। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ ना सही, कुछ सही मिल गया बेहतर है, जाते हुए अपन लेट। बहुत शुक्रिया। नजर ना आ रहा हो, इस वक्त फजर की अजान हो चुकी है और उसके बाद हम लोग निकले हैं मिनी पिकनिक करने के लिए। इजी हेलो कर दो सबको, हेलो। सो भाई हम मिनी पिकनिक करने के लिए निकले, आज हम लोग जा रहे हैं हॉक्स बे, एंड बहुत बहुत ज्यादा दिल था। सिस्टर आई हुई थी काफी दूर से, सो हमने बोला कि चलो आओ तुम्हें लेके चलते हैं, उसका बड़ा दिल था यार। और बाकी अरसला को जबरदस्ती मनाना पड़ता है, आपको पता है वो जरा अवॉइड करती है, तो भाई हमने कहा मौसम क्योंकि सुना है कि अच्छा है, तो इसलिए हमने बोला कि चलो चलते हैं। मम्मा बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा अभी आपको पता, मम्मा मना कर रही थी मैं बच्चों के पास हूँ, दोनों बच्चे मेरे पास छोड़ दो। मुझे लगता है मम्मा को ना मेरे साथ साथ ना आदत हो गई है कि अब वो बिल्कुल घर पे ही रहना ज्यादा पसंद करती है। मैंने कहा भाई आप छोड़ दो, आपको समंदर पे जाना पसंद है। मैंने फिर बोला ना जब क्या ठीक है आप रुक जाओ मेरा बच्चा, तो मैंने कहा दोनों साथ जा रहे हैं, तो बोली अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। सो बस वो वाला सीन है, सो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग और बस मिलते हैं। चुच्चू के लिए वो रख लेते हैं, उसका वो ग्रीन वाली गाड़ी पीछे उसके रख लेते हैं, चुच्चू उसमें बैठ जाएगा आराम से, क्या बोलते हो आप, है ना, पीछे डिग्गी में जगह है। सो बस घर वाले आ रहे हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूं। ओके गाइस, सो भाई हम लोग जो है वो आ गए, चुच्चू ये रहे आज, ये देखो बेवफा चुच्चू नन्ना से ज्यादा प्यार करने लगा है। जाहिर है जहाँ पे प्यार मिलेगा वहीं बच्चे जाते हैं, तो बाहर से ज्यादा नन्ना प्यार करती है। खैर बस अपन लोग बैठे हुए, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, ये लोग चाय पी रहे हैं नीचे, काशिप इंतजार कर रहे हैं, एंड लेट्स गो। अच्छा जी, सो भाई हम लोग जो है ना वो पीछे से अंडा पराठा ले रहे हैं वहाँ से सामने काशिप, और जो है वो अभी मैं बड़ा भाई घबरा रही हूँ, मैंने अभी देखा लोग तो भाई गाड़ियाँ भर भर के जा रहे क्या नाम है अपना हॉक्स बे, और ऑब्वियसली संडे है, आज वीकेंड है, यू नो लॉन्ग वीकेंड था ईद का, तो आज ईद का तकरीबन चौथा या पाँचवा दिन है ना मेरे ख्याल से, सो बड़ा रश होगा वहाँ पर। तो भाई शुक्र है मैंने स्ट्रॉलर ले लिया, वरना तो हम नॉर्मल डेज में जाते हैं मंडे ट्यूसडे, इतना कोई कुछ होता नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या होगा। इतने अच्छे से तो खैर तैयार शैयार भी नहीं हुई भी, लेकिन चलो। चुच्चू बताओ हमारा कैसा लग रहा है, और ये देखिए अजान, अजू इधर देखो, हाय करो, हाय। सो चलो काशिप आ रहे हैं। आज बताया था कि भैया जो है ना आज सूरज नहीं निकलेगा, आज बारिश होगी तेज, हर वक्त जब देखो गलत पेशन गोइयां करते रहते हैं। और पता हम तो आए भाई, हमारी स्किनों पे पैसा लगा हुआ है, हम नहीं ऐसे कर सकते इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना भाई, उसके बाद फिर ये आ जाना इधर, ये नहीं हो सकता भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या होगा यार ये। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, मेरे साथ इतना बुरा हो गया है। देखो सूरज निकल गया है यहाँ पर, और हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोग आराम से जो है ना वो आज एंजॉय करेंगे, और सूरज निकल गया है, मतलब कहने का ये है कि सूरज की वजह से ना स्किन खराब हो सकती है, तो हम खैर आधा एक घंटा निकाल के फिर अपना चले जाएंगे, लेकिन बड़ा बैड सीन है यार, तो बड़ा गलत हो गया, काले हो जाएंगे। शुक्र है मैंने थोड़ा सनब्लॉक लगा लिया था। ओके सो हमने अपनी यहाँ पर जो है ना वो जगह कर ली है भैया, और अब हमारी गाड़ी आ रही है, आ जाओ आ जाओ। ओके जी, सो हमारी गाड़ी आ रही है पीछे, और हमने यहाँ पर जो है ना रेंट पे एक ये छजा टाइप्स कुछ जगह है वो ले ली है। हाय मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, आई एम सो एक्साइटेड, एंड यार मुझे ना बीच बहुत पसंद है। काशीपुर में बहुत 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 ज़्यादा आया करते थे पहले, लेकिन अब ये है कि थोड़ा टाइम हुआ है कि हम लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आते जाते, टाइम ही नहीं मिलता दो बच्चों के साथ, पहले अजान हमारा बहुत डरता था। खैर चलो फैमिलीज हैं यहाँ पर, मज़ेदार तरीके से अरसलना को लाते हैं ना, तो टेंशन होती है कि भाई वो कहती है धूप निकली घर। ओके गाइस, सो हम लोगों ने रेंट आउट किया है ये छज्जा, मजा आया।
छोटी सी झोपड़ी टाइप है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, एंड इट्स वेरी रीजनेबल. हम लोग बहुत सारे लोग, अरसलना ने बोला हॉर्ट ले लेते हैं, मैंने कहा 20-25 लोग तो हों, मुझे बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं शादी करूंगी. लेकिन झोपड़ी हमारे पास है. सो बस यार ये सीन है. अरसलना बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. ये रहा छोटा वाला बेटा और ये रहा मेरा बड़ा वाला बेटा, एंड ही इज तो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम टू एक्साइटेड. अच्छा जी, सो चलो यहाँ पे हमारा जो है ना वो फुल गुर्बत ज्यादा अंडा पराठा और हमारा जो है ना वो मजेदार सी चाय है और यहाँ पर अजान को चीजें दिख गई हैं खाने की. इजी नाश्ता करोगे? इसका चुच्चू के अंडा लिया आपने छोटे का? अरे मुझे पता था इसके अब्बा ने ना अंडा पराठा लाजमी लिया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है. ओके जनाब, सो भाई वो देखे काशिफ तो चले गए उस साइड पर और अब मैं भी जाने वाली हूँ. सो बड़ा मजा आ रहा है यार, इंजॉयमेंट्स हो गई है, इंजॉयमेंट जबरदस्त वाली हो गई है. हाय यार, मेरे को शायद सामने फैमिलीज हैं, वो पहचान गई है, कब से घूर 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 देख रही है. आज तो किसी से मिलने लायक हूँ नहीं क्योंकि इतनी अच्छी मुझे ऐसा लग रहा है नहीं लग रही. चलो फिर भी मैं ढंग के कपड़े पहनकर आ गई, वरना मैं ऐवें ही आ रही थी. पता है तुम्हें, काशिफ ने मुझे बोला पागल हो गई हो क्या, ये क्या पहन रही हो, थोड़ा चेंज कर लो. मैंने कहा यार कौन होगा, लेकिन अभी जब यहाँ पर आई हूँ भाई, अच्छा खासा रश हुआ हुआ है, जबरदस्त वाला रश हुआ हुआ है, जबरदस्त वाला. वैसे नहीं नहीं कुछ नहीं चुभ रहा यार, वैसे आपस की बात है, संडे के दिन आने का ना अपना ही वैसे मजा है क्योंकि रश इतना होता है. और आपकी बहन को, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो, आपकी बहन को रश बहुत 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 पसंद है. जब तक सारा रश ना हो ना, तब मज़ा नहीं आता. तो बस ये सीन है सारा. अभी जो है वो काफ़ी फैमिलीज वगैरह मिली, बड़ा मज़ा आया मुझे उनके साथ मिलकर, इंजॉय हो गया. और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है यार, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मौसम है, अशद ज़बरदस्त मौसम है. तो हजरात के बाप बेटे जा चुके हैं और आई स्टिल रिमेम्बर. हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बेटा, लल्ला आ जाओ, होल्ड मम्मा'स हैंड. ओ मेरा बेटा, कुछ नहीं हो रहा, मजा आ रहा है इसी. पहले आप छोटे से थे ना, आप आने ही नहीं देते थे, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है मम्मा में मेरे बेटे को यार. आई एम सो हैप्पी. अरे वाह मजा आ रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह. लहरा के चुच्चू के पापा इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा चुच्चू के पापा ऐसा चड्डा लग रहा है ना आपका, कसम से. हाय हाय हाय, जबरदस्त फुल आपका जो है ना वो वाकी वा क्या बोलते हैं, बाली वाली वाइब आ रही, गोवा वाले बीच पे. मैंने कहा पहले ना यानी मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मोबाइल देकर आऊंगी और फिर बनाएंगे हम. और ये कर जा रहा है, देख रही हो, तुम्हें लेने आया है मेरा बेटा. यार मोमोज खाने का दिल चाह रहा है समंदर पे. यार यहाँ कोई कैंटीन है? गई लल्ला. बेटा ये अपनी, बेटा आप इन्हें रहने दो, आप अपने वालिद साहब के पास जाओ. आ जाओ. ही इज सो हैप्पी. हाँ कसम से ये स्विमिंग करेगा चुच्चू के पापा. जी जनाब, सो तुम इधर ही खड़ी रहो, छुपकली बन के, छुपकली जैसी औरत. शट अप, यू शट अप बिच. अच्छा सो भाई अभी ना मैं फ़ोन मम्मा के पास रखवाने जा रही हूँ, ठीक है, ताकि हम भरपूर तरीके से बच्चे के साथ एंजॉय कर सकें. ब्लॉग बनाएंगे बाद में, लेट्स गो. रहा हमारा हर्ट और वो बैठी हुई मम्मा चुच्चू के साथ. बहुत ही एक्सपेंसिव हर्ट लिया है हमने. यार दो चार लोगों के लिए वैसे भी क्या ही लेते हम लोग. अब मुझे हो रहा है यार, हम लोग कुछ लेकर नहीं आए, बिरयानी शिरयानी कुछ होनी चाहिए थी. मुझे भूख लग रही है यार, किसी से तो मांग भी नहीं सकते है ना, कुछ रख के ही नहीं लाए. हम वैसे भी एक डेढ़ घंटे के लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत मज़ा आ रहा है. ठंडे पड़ रही हैं भाई, ठीक है, ये बारिश स्टार्ट हो गई है भाई. मुझे पता लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन यार ज़बरदस्त. मैंने अभी मम्मा को भेजा है ताकि मम्मा थोड़ा सा इन्जॉय करके आ जाएँ, और क्योंकि ये दोनों बहनें तो कॉम्प्रोमाइज़ करती नहीं है. मैंने बोला यार चलो मम्मा थोड़ा सा घूम लेंगी, और आपकी बहन ये रही. और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं जो मेरी वीडियोस को पसंद करें. आए मेरा बेटा, चलो मैं ज़रा ऐसे देख, मिले अम्मी वहाँ, देखा था पूरी फैमिली जो मेरे पास आ गई थी. वो कह रही हैं आपको देख के ना, हमने बोला पता नहीं वही है कि नहीं है, फिर उन्होंने मेरी स्टोरीज देखी तो फिर उन्होंने बोला कि यार आप तो वहीं हैं. मैंने बोला यस वहीं हूँ मैं. सो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है. सबसे ज़्यादा जो मुझे दिल की खुशी हो रही है ना, वो हो रही है मुझे अजान के लिए. अजान किधर है?
अंदर बैठा हुआ है। सो भाई अजान इतना खुश है। काशी आपको याद है जब अजान छोटा था तो नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, उसको पसंद नहीं था। और अभी अजान इतना मजा कर रहा है, रुके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। गंदगी को प्लीज अवॉइड कीजिएगा। हियर इज अजान। इजी इधर देखो बेटा, इजी इधर देखो, लुक क्या मजा आ रहा है। इधर देखो, इधर देखो कितना मजा आ रहा है। ये देखिए, मैं बता रही थी यार बचपन याद आ गया, बचपन की उम्र में बचपन याद आ गया। वो गाड़ी भर के आते थे हम लोग बसों में, कोस्टर बोलते क्या बोलते हैं, W11 वैन्स में भर भर के आते थे, पूरे सारे वेले के वेले, बिरयानी की देख साथ होती थी, इतना मजा आता था, इतना एंजॉय करते थे कि बड़ा मजा आता था यार, बड़ा जबरदस्त लगता था। सो वो अब इस मौसम में हो रही है चाय की तलब। हाँ, सो वो जो है ना टाइम मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। और यार वैसे आपस की बात है, वो वक्त वैसे अलग था, ना वो लोग है ना वो वक्त है। चाय लेकर आऊँ किसी से? मेरे बहुत फैंस हैं यहाँ पे, किसी से मांग लूं? वो हट वाले भी मुझे जानते हैं, पीछे वाले भी मुझे जानते हैं। उनको मिट्टी दे दो, रेत दे दो, पानी दे दो, खेलते रहिए, खुश होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। खैर से अब स्कूल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन एवरी मंथ ना हम लोग प्लान करेंगे कि एक आध चक्कर लाजमी हम ना यहाँ पर लगाएं। चला कि ये अब एंजॉय करने लगा, एंजॉय करने लगा। पहले आता था इतना डरता था, नो मामा नो बाबा, हम लोग को पानी में नहीं जाने देता था ना, तो उसको बहुत डर लगता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज हैप्पी, और इसको देख के हम लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि अभी देखिएगा काशी मुझे एकदम कड़कता हुआ 5,000 का नोट देंगे, मैंने देखा था वॉलेट में। दोगे बच्चे की खुशी, बच्चे का वार के मुझे दे दो, मैं कुछ ले लूंगी भाई मजा आ गया। अच्छा मसला क्या है, मौसम इतना कड़क चल रहा है, इतना कड़क चल रहा है, ऐसा आला मौसम है। वरना हम जब आए थे ना हमारे साथ मोए मोए हो गया था, सूरज निकल गया था, मैंने कहा काशी इसे रोको, काशी कह रहे अब क्या होगा, क्योंकि सूरज निकलता और हम लड़कियां भाग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया, बहुत ही प्यारा जबरदस्त सा जो है ना वो मौसम हो रहा है। पोखरियाँ कितनी प्यारी वैसे लग रही हैं, आपस की बात है। अच्छा गरीब लोग इसी में रहते हैं, हमें ना हम ना शुक्र हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अच्छा खासा सब दिया हुआ है, फिर भी ना शुक्रापन करते हैं। घर छोटा है तो ये क्यों है, वो वैसा है तो वैसा क्या मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। और आप के? और आपका कर रह लोगे मेरे बिना? ज्यादा सुकून से रहेंगे शायद। और बच्चे नहीं दिखाने? अबे चलो, अबे देखने को तरस जाओगे मेरे बिना, बच्चे देखने नहीं दूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक बच्चे हैं, याद रखना। जो मेरा नहीं उसके मेरे बच्चे नहीं। वाओ मेहंदी कैसी लग रही है, देखो पप्पी कर दो, प्यारी मेहंदी लग रही है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा चलो इस पर दोनों में फर्क है, ठीक है, अलग अलग क्यों है? पप्पी नहीं कर रही, बूंदे नहीं कर रहे ना मुझे, पप्पी देवा। चलो यार मैं फोन रख रही हूँ ताकि और एंजॉय करूँ बच्चों के साथ। अच्छा मैं ना काफी सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन अजान का पुराना वाला ट्रक और उसके साथ के जो वो स्टूल्स होते हैं ना, टूल्स होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको टूल्स बोलते हैं, मेरा थोड़ा इंग्लिश हिला हुआ है ना, सो उससे ऐसे करके ना वो करते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह पक्का अब अपने बेटे के लिए खरीदूंगी। लेकिन मौसम अच्छा हो तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं ना, वरना थोड़ी इंजॉय करते, यूं भागते हम, समझ रहे हो? फायजा बिटी क्रीम। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ भाई बहुत पैसा लगाया भाई। सो बस ये सीन है यार, क्या है यार, इस मिट्टी में जाना है और इतना गुरूर करते हैं सब, क्यों यार? बहुत ही प्यारी मिट्टी है, लव यू मिट्टी। बारिश हो रही है यार, इतना कोई मजा आ रहा है, इतना कोई मजा आ रहा है, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लेकिन इसको लग गई है सर्दी। इसी इधर देखो, मैं भी लाई थी तो इस, नहीं यार छोड़, एक ही साथ घर पे नहा के बदलेंगे। सो भाई इसको ना ठंड लग गई है, इधर देखो गाड़ी धुले, सर्दी लग गई है ना, धुलवा लेंगे, मसला नहीं है, आराम से बैठो, गाड़ी की टेंशन नहीं है। तो मजा बड़ा आ रहा है, मम्मा तो बोल रही है भाई 4 बजे से पहले नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं, मतलब समझो 2-2.5 घंटे हमने स्पेंड कर दिए, तो नाउ वी आर गोइंग, बिकॉज के हम लोग कुछ लेकर नहीं आए। उस वक्त हमने थोड़ा बहुत अंडा पराठा खाया, लेकिन अभी बहुत भूख लग रही है, रात से भी हमने कुछ खाया नहीं था खास। नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे अपनी बिरयानी विरयानी लेके, खूब कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक लेके, जैसे प्रॉपर आते हैं ना वैसे आएंगे। तो चलो अभी घर चलते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है वहां से निकल गए थे, और अब हम लोग हलवा पूरी खा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अल्लाह वाली की तरफ। हमने खानी थी बिरयानी, हमने इतनी रिक्वेस्ट की हमें बिरयानी दे दो किसी की, 3-4 दे गई थी,
वो पैक हो रही थी ना, तो मैंने कहा किसी गरीबों के लिए होगी, मैंने कहा भाई गरीब समझ के दे दो, नहीं दे रहे, मैंने कहा पे करवा दे, डबल पे कर देते हैं, नहीं जी बिरयानी, बोले 11 बजे मिलेगी, अभी तो बज रहे हैं 10, एक घंटा और इंतजार करेगा तो अपन हलवा पूरी खा रहे हैं। तारीख क्या है आज? एक पैकेट के लिए 14 अप्रैल 10 बजे एक डब्बा हमें नहीं दिया गया है, एक डब्बा जिसे बोलते हैं ना कि एक डब्बा दे दे, मैंने कहा डबल पैसे ले लें भाई, अल्लाह के वास्ते दे दें, किसी गरीब को दे रहे हैं हमें भी दे दें गरीब समझ के, लेकिन नहीं नसीब में नहीं है, खैर कोई बात नहीं। बस मेरा ना दिल दुखता है इस कौम पे, इस अवाम पे, अवाम हमें, अच्छा ऐसा अवाम हमें भी नहीं, हमें बस चाहिए किसी ना किसी तरह, और बाकी जो देने वाले लेने वाले लोग हैं वो ढीठ बन जाते हैं, 11 बजे की टाइमिंग से तो 11 बजे ही मिलेगी, हालांकि देर बनी हुई है, सारी चीज़ें हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हमने कहा चलो अल्लाह जो दे रहा है वो खा लेते हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ आज यार, खैर छोड़ो, मेरे साथ इम्तियाज पे क्या हुआ था बताया था ना मैंने, इम्तियाज पे वो बैग के ऊपर मेरी लड़ाई, क्या बोल रहे यार छोड़ो कोई बात नहीं। गाइस बहुत ही मजेदार जो है ना वो आ गई है भाई हलवा पूरी, सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ ना सही, कुछ सही मिल गया बेहतर है, जाते हुए अपन ले जाएंगे, बहुत शुक्रिया। चुचू के पापा भी आए हुए, बच्चा ऐसा लेटे जा रहा है समंदर देख के, तो इतना मजा आ रही है, आज हमारी ईद हो रही है, अरे अल्लाह इतना मजा आ रही है, कराची में इतने सारे लोग भी आए हुए, ओए अल्लाह, आए हाय सब पानी में दिल खुश हो गया, आई हाय हाय। हे गाइस, सो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल, हम लोग वापस आ गए थे और तकरीबन कोई सोते सोते हम लोग को 11:30 बज गए थे, अभी हम लोग उठे हैं, अभी कितने बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं, मगरिब हुई है, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, और यार आज मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मज़ा आया है, कितना 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 इंजॉय किया है हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड स्पेशली एक वीडियो बनाई थी मैंने, करांची आए गाइस, हम चुच्ची के पापा भी साथ हैं ये वो, सो देयर वॉज वायरल वीडियो, अभी मैंने देखा, मतलब मैंने सोने से पहले डाली थी 12 बजे 11:30-12 बजे डाली थी, माशाल्लाह अभी 1.5 मिलियन 2 मिलियन वो हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, मतलब ज़बरदस्त हो गया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी यार। अब यू गाइज टेल मी अभी मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं लोग, एंड यू नो बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ी होती हूँ, बोलते हैं सीधा मुंह बना के भी तो बात कर सकती हो, तमीज़ से बात कर लो एंड ऑल दैट, अगर मैं सीधा मुंह बना के तमीज़ से बात करूँगी ना मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, पहले बहुत पहले मैं सीधा मुंह बना के तमीज़ से ही वीडियोज़ बनाती थी एंड देयर वॉज नॉट वायरल, अभी वायरल होती है बिकॉज कि वो एक्सेंट, मुझे करोड़ों लोग देखो, मुझे 90% लोगों जो मिलते हैं वो बोलते हैं भाई हमें आपका तरीका बहुत पसंद आता है जिस तरह से आप बात करती हो, क्योंकि हमारे यहाँ मानो या ना मानो इसी तरीके से ज़्यादातर बात की जाती है, बहुत ही हाई फाई लोग जो है कितने हैं हमारे यहाँ जो यू नो हेलो हाय या आई एम फाइन वाले, बाकी ज़्यादातर ऐसे ही हाँ भैया क्या हो रहा है क्या चल रहा है, तो जो मेजॉरिटी होती है उसी हिसाब से करना पड़ता है और वही लोगों को पसंद आती है, एंड दैट्स रियलिटी। सो मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा फिर भी चलो मैं बताऊँ, वो वीडियो लगा दूँगी मैं, बहुत वायरल हो रही है माशाल्लाह से, सो चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, और चुच्चू हमारे जो है वो बड़ा वाला बेटा सो रहा है, छोटा वाला यहाँ पर ये देखें, हेलो हाय, इसको कहाँ छोड़ते हैं कहाँ मिलता है, मैंने दूसरा वाला कारपेट ना बंद कर दिया था, मैंने कहा अब घर आएंगे ना मट्टी शट्टी हो जाएगी, चलिए नमाज़ पढ़ते हैं।